वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टुडे इज 17th मई यानी कि मेरा हैप्पी बर्थडे। तो वेलकम टू माय बर्थडे ब्लॉग। और पिछली बार भी लॉकडाउन वाला बर्थडे और इस बार भी लॉकडाउन वाला बर्थडे हो रहा है, तो देखते हैं आज दिन भर मैं क्या करती हूँ। तब तक आप मेरे साथ बने रहे इस ब्लॉग में। अभी तो सुबह के बज रहे हैं 7:30, तो मैं जल्दी जाती हूँ, नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है 8:30 को। तो स्टे ट्यून्ड, मिलती हूँ आप लोग के साथ थोड़े देर में। सॉरी कि मैं अभी इवनिंग के टाइम पे मिल रही हूँ। एक्चुअली उस टाइम पे मॉर्निंग के टाइम पे मैं लेट हो गई थी। एक्चुअली आई एम वेरी बैड इन द टाइम मैनेजमेंट। मैं कुछ भी कर लूँ, जितना भी कर लूँ, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। मैंने सुबह से उठ के प्रिपेयर करके रखा था कि मुझे ये सब करके फिर मैं 8:30 को ऑफिस चले जाऊँगी, बट नहीं, कुछ नहीं हो पाया, लेट भी हो गया ऑफिस के लिए। इसके लिए मैं रस में ऐसे जल्दी ही चली गई, तो इसके लिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। अभी मैं ऑफिस से आके अभी मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ, सो सॉरी। एंड दिस इज माय फर्स्ट आउटफिट जो मैं सुबह के टाइम पे ऑफिस में पहन के गई थी। ये फुल स्लीव का है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, एंड द कलर ऑल्सो वेरी कॉम्प्लीमेंटिंग। तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग के साथ मैं फोटोज वीडियो शेयर करूँगी, आप देखना। एंड थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बहुत सारे विशेस भेजे हैं इन माई व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत 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 मैसेज किए हैं। सुबह से सब लोग मुझे फ़ोन करके बोले, सभी लोगों को मेरे तरफ से बिग थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच मेरे दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए एंड मुझे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए। इतना सारा मैसेज, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू यार। सो अभी बहुत गर्मी है, आई एम लिटरली स्वेटिंग, देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं चेंज कर लेती हूँ और अपने कंफर्टेबल क्लोथेस में आ जाती हूँ, फिर देखते हैं नाइट में क्या प्लान करते हैं। अभी के लिए फ्रेश अप हो जाते हैं। सो बाहर ना कुछ चल रहा है इन लोगों का, शायद कुछ डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं या फिर कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे बाहर आने के लिए दे नहीं रहे। अभी रूम बाहर से लॉक करके मैं अंदर ही हूँ। तो मीन टाइम मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं रेडी हो जाती हूँ और मैं रात के पहनने के लिए, दिस इज़ माई सेकेंड आउटफिट, सलवार सूट है और ये रेड कलर का है। तो मैं चलती हूँ, पहले पहन लेती हूँ, तो उसके बाद थोड़ा सा टचअप वगैरह करके रेडी हो जाएंगे, फिर देखते हैं इन लोग का प्लानिंग क्या है। एंड आई एम क्या बोलूँ, बहुत खुशी लगता है ना कोई आपके लिए इतना करे। लॉकडाउन में है बर्थडे, फिर भी ये लोग लगे हैं, अपने हाथ से सब कुछ किए हैं, सब घर का बना हुआ है, केक भी घर का बना हुआ है। एवरी वन पुटिंग देयर एफर्ट टू मेक माई डे ब्यूटिफुल एंड आई एम सो ग्लैड एंड सो हैप्पी। बहुत खुश लगता है जैसे। और तो चलिए अभी रेडी हो जाते हैं। और इस पर मैंने क्या किया है, जैसे लॉकडाउन पता था कि लॉकडाउन होने वाला है क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे थे और पिछली बार लॉकडाउन हो गया था, इसके लिए कुछ सडन लॉकडाउन हुआ था, कुछ प्लानिंग नहीं हुआ था, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। इस बार मैंने क्या किया, पहले से ही जो जो मुझे ड्रेस चाहिए था अपने बर्थडे के लिए वो सब पहले से ही ऑर्डर करके मैंने रख दिया था और थैंकफुली आ गए थे। एक दो पीस बाकी थे जो कि लॉकडाउन होने के बाद 2-3 दिन में आ गए हैं, लेकिन मैंने कुछ को एक्सचेंज नहीं करवाया। कुछ मुझे साइजेस का, एक में साइज का प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे बड़ा साइज आया है बट मैंने एक्सचेंज नहीं करवाया है उसको। मतलब घर पे ही एडजस्ट करके चला रही हूँ क्योंकि कोविड है,
आई डोंट थिंक सो इसके टाइम पे एक्सचेंज रिटर्न ये सब करना है। तो थैंकफुली मैंने जो मुझे चाहिए था मैंने ऑर्डर कर लिया था, एंड एटलीस्ट लॉकडाउन वाले बर्थडे में मेरे पास पहनने के लिए नया नई ड्रेस है और आई एम सो हैप्पी। एंड क्या इट्स माय बर्थडे, तो चलिए रेडी होते हैं, पहले मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ उसके बाद मेकअप वगैरह करते हैं या कुछ करते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट आउटफिट एंड आई लव दिस, दिस इज प्योर रेड और इसका मैं फुल लुक थोड़ी देर बाद देंगी किसी को बोल के, मैं अपना पूरा लुक दिखाऊंगी, अभी के लिए थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on.
अबाउट माई लॉकडाउन वाला बर्थडे जो कि बहुत ऑसम था, एंड इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे भाई को और मेरे हबी को, जो मेरे ये दिन को बहुत स्पेशल बनाए, एंड आई लव्ड इट एंड आई एंजॉयड इट वेरी मच। तो आज का ये ब्लॉग को मैं खुशी खुशी यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।